उपाय तो एक ही सच्चा है, सुखी होने का एकमात्र सम्यक दर्शन, और कोई उपाय सच्चा नहीं। वह इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बात बन जाए, और जब तक अन्य उपाय सुखी होने के लगेंगे, पैसा जोड़ लो, बड़ा घर बना लो, बड़ी व्यवस्था बना लो, बड़ा परिवार बना लो, कुछ नहीं, ये सुखी होने के कभी तीन काल में उपाय नहीं है। और असलियत तो ये है कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि जहाँ से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है, ख्याल में आया ना। संसार में ऐसे अलग अलग नहीं है कि साहब यहाँ से सुख यहाँ से दुख, दो झरने नहीं हैं, एक ही झरना है, वहीं से सुख वहीं से दुख। क्यों ऐसा क्यों साहब, ऐसे कैसे होता है? सीधा गड़े दे, जहाँ से सुख मिला वहाँ तुम्हें अपेक्षा हो जाती है, और वो परिणमन सदाकाल तो वैसा रहेगा नहीं, वो तो पलटेगा, तो उसी से क्या मिलेगा? दुख है। कितना सरल है, तुम बेटे से मोह करते हो और बेटा तुम्हें कुछ काल तक तुम्हारी सुनता है तो तुम्हें अपेक्षा हो जाती है कि मेरा बेटा मुझे सुख देगा, ये दुख क्यों देगा? बोलो अरबेन जी, ऐसा लगता है कभी कि उदक से दुख मिलेगा? है खाए का दुख मिलेगा साहब, हमारा बेटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उसी से मिलेगा जिससे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है संसार में, उसी से सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। देखो ना, ख्याल में है ना, मार देते हैं ना लोग घरे कुटुंब परिवार वालों को, उन्हीं को जिनसे इतना मोह था और एक समय ऐसा आया कि उन्हीं को मार दिया, कि क्यों? कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है, जहाँ से सुख आता है थोड़े काल में वहीं से दुख आता है। इसलिए संसार में तुम जिन पदार्थों का संग्रह सुखी होने के लिए कर रहे हो, कालांतर में वे ही पदार्थ दुखी होने के कारण बनते हैं। इसलिए ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये चीज़ तो मुझे सदाकाल सुख ही देगी, कोई मतलब नहीं है।